Assalamu alaikum students, welcome to your English lecture. Today we will do our work on activity pack page number 8. First half हम आज क्लास वर्क में करेंगे और जो उसका नीचे सेकेंड पोर्शन है सेकेंड हाफ है वो आपका होमवर्क होगा. सो ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन योर इंग्लिश एक्टिविटी पैक पेज नंबर 8. बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क ऑल ऑफ यू प्लीज मैंशन आवर टूडेज डेट विच इज 25/21. वी आर डूइंग क्लास वर्क राइट नाउ सो यू विल मैंशन above the educators yellow campus name classwork. We will write classwork above the educators yellow campus name and we will write our day which is Thursday on our right side corner and try to write this sketch day date and CW by your own. आप खुद students लिखें क्योंकि अब आप के जी क्लास में आ गए हैं. जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी राइटिंग अच्छी होगी, उतनी अच्छी आपकी स्पीड बनेगी. काम अब ज़्यादा हो गया ना, इसलिए सारी चीज़ें खुद से लिखने की ट्राई किया करें. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. व्हाट दे आर सेइंग टू अस, दे आर सेइंग राइट द नेम ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स. इन बॉडी पार्ट्स, ये जो 6 बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं इनके नाम लिखें एंड लर्न देम बाय हार्ट, और इनको ज़ुबानी याद करें. ना सिर्फ इनके नेम ज़ुबानी याद करने हैं बल्कि इनके स्पेलिंग्स भी आपको ज़ुबानी आने चाहिए. आपने इनके स्पेलिंग भी ज़ुबानी याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पिक्चर आएगी और आपने फुल स्पेलिंग खुद से लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इन बॉडी पार्ट्स के नेम लिखेंगे और आपने इनको याद भी करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ग्रैब योर पेंसिल्स एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क विद मी. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, ये आपकी एक्टिविटी पैक पे भी बनी हुई है. विच बॉडी पार्ट इज इट? दो है, टू आईज. अगर एक होती, अगर सिर्फ और सिर्फ एक आंख होती तो हम इसको आई लिखते, लेकिन यहाँ पे ये टू आईज हैं तो इसीलिए हम इसके स्पेलिंग लिखेंगे आईज. एंड में हम आईज आई के साथ एस लगा देंगे तो ये टू आईज बन जाएगी. और अगर सिंगल आई होती, एक आंख होती, तो हम इसके स्पेलिंग आई लिखते. ठीक है, एक आंख होती तो हम आई लिखते, दो आई हैं तो इसलिए हम इसके साथ आईज लिखेंगे, आईज. ओके, व्हाट आर द स्पेलिंग्स ऑफ आईज स्टूडेंट्स? ए, सबसे पहले हम लिखेंगे ए. ए साउंड, ए इज द साउंड ऑफ ई. वी विल राइट कैपिटल ई फर्स्ट, कैपिटल ई इन फर्स्ट 3 लाइंस. कैपिटल ई हैज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्लीपिंग लाइन एंड अदर स्लीपिंग लाइन and other sleeping line. This is our capital E. I, y is the sound of y. Y is the sound of y. We will write small y in here. At here, what is the formation of small y? First of all, हम U बना लेंगे. जिस तरह English में U लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही हम Y का कप बना लेंगे, बिल्कुल U की तरह, लेकिन U की tail होती है, Y की हम straight line लगाएंगे जो नीचे रूट लाइन तक जाएगी और यहां से इसका कर्व बन जाएगा. ई वाई, ई वाई, ई वाई, ई. वैसे तो ये इनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स नेम आप नर्सरी में कर चुके हैं, ये आपकी थोड़ी सी रियल हो जाएगी और एक दो बॉडी पार्ट्स आपके न्यू हैं. ई वाई, ई. ई की फॉर्मेशन में हमने सी बनाया सबसे पहले इन सेंटर 2 लाइन्स, और उसके बाद हमने ई बनाने के लिए क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन जो जिससे हमारी ये ई बन जाएगा, हमारा सी ई में चेंज हो जाएगा. ई वाई ई, आई. ई वाई ई, आईज. इज द साउंड ऑफ एस, इज द साउंड ऑफ एस. सो वी विल राइट स्मॉल एस इन सेंटर 2 लाइंस. व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटर स्मॉल एस? हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन एंड एन अदर हाफ सर्कल. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एस. ओके स्टूडेंट्स, ई वाई ई एस, आईज. ई वाई ई एस, आईज. ई वाई ई एस, ई वाई आई ई एस, इज, आईज. ई वाई आई ई एस, इज, आईज. आपने इसके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं. ठीक है, ई वाई आई ई एस, आईज, आईज. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. विच बॉडी पार्ट इज इट? जिससे आप स्मेल करते हैं, खुशबू स्मेल करते हैं, आपकी आईज के नीचे क्या होता है, आपकी नोज. न ओ स, नोज. न ओ स,
अगर आप साउंड पे गौर करें तो न किसकी साउंड है, न इज द साउंड ऑफ एन, न इज द साउंड ऑफ एन. सो वी विल राइट कैपिटल एन फर्स्ट. इन फर्स्ट थ्री लाइन्स वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फॉर कैपिटल एन, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन इन फर्स्ट थ्री लाइन्स, एंड अगेन वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एन. और आपने लाइन्स को टच करके लिखना है, थ्री लाइन्स के अंदर लाइन से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालना. न तो हो गया ओ, ओ इज द साउंड ऑफ ओ, ओ इज द साउंड ऑफ ओ. सेंटर टू लाइन्स में हम लिखेंगे ओ, एंड ओ इज आवर फुल सर्कल इन सेंटर टू लाइन्स विच टच सेकेंड एंड थर्ड लाइन प्रॉपरली. न ओ इज द साउंड ऑफ इज द साउंड ऑफ एस. अगेन वी विल राइट स्मॉल एस इन सेंटर टू लाइन्स, हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन, एंड अगेन हाफ सर्कल इज आवर फॉर्मेशन ऑफ एस. नो स अ, अ अ इज द साउंड ऑफ ई. वी विल राइट स्मॉल ई इन सेंटर टू लाइन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का हाफ सर्कल बनाया, और ई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम स्लांटिंग लाइन लगा देंगे, तो ये हमारा ई बन जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नो स एन ओ, नो एस ई नोस, नो स नो स नोस, नो स नोस, एन ओ एस ई नोस, एन ओ एस ई नोस. ओके, लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. विच बॉडी पार्ट इज इट, कौन सा बॉडी पार्ट है ये, आपके पाँव, आपका फुट. क्या कहते हैं इसको, फुट. क्या कहते हैं इसको, फुट. एक पाँव होगा तो हम इसको फुट कहेंगे, दो पाँव होंगे तो हम इसको फीट कहेंगे. ठीक है, एक होगा तो फुट और दो होंगे तो फीट. यहाँ पे एक है तो हम स्पेलिंग लिखेंगे फुट, फु इज द साउंड ऑफ, गौर कीजिए मेरी साउंड पर, इज द साउंड ऑफ एफ, इज द साउंड ऑफ एफ, इज द साउंड ऑफ एफ. F कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल F हैज अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट थ्री लाइन्स, देन वी विल ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन एंड एन अदर स्लीपिंग लाइन. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल F. F O O O इज द साउंड ऑफ O, O इज द साउंड ऑफ O. O विल कम इन सेंटर टू लाइन्स एंड फुल सर्कल इज आवर फॉर्मेशन ऑफ O. F O, और एक और दफ़ा ओ लिखेंगे, डबल ओ आता है फुट में, दो टू टाइम्स हम ओ लिखेंगे, ओ लिखेंगे. ओ इज अ फुल सर्कल इन सेंटर टू लाइन्स. फू, फू, ठ, ठ, ठ इज अ साउंड ऑफ, ठ किसकी साउंड है स्टूडेंट्स, ठ इज अ साउंड ऑफ टी. वी विल राइट स्मॉल टी इन फर्स्ट थ्री लाइन्स. टी हैज अ स्ट्रेट लाइन and tail just like L, but it has a sleeping line too. Foot, 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 F double O T, foot, F double O T, foot, 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 foot. Okay students, three names हमने लिख लिए हैं, eyes, nose and foot. Now let's move forward to our next बॉडी पार्ट नेम. वट आर दीज, हम टीथ भी लिख सकते हैं, हम लिप्स भी लिख सकते हैं. वी हैव बोथ ऑप्शंस. जो टीथ लिखना चाहते हैं वो टीथ के स्पेलिंग लिख लें, जो इसको लिप्स लिखना चाहते हैं वो लिप्स लिख लें. आई विल राइट लिप्स, मैं लिप्स लिखूंगी क्योंकि लिप्स के स्पेलिंग थोड़े से छोटे हैं, टीथ के स्पेलिंग जरा थोड़े से लंबे हो जाते हैं. वैसे तो आपको बड़े स्पेलिंग भी आने चाहिए, बट आई विल राइट लिप्स. What are the spellings of lips? ये जो lips हैं red red से, ये होंट, ठीक है ना, ये lips. L, L is the sound of L, L is the sound of L. How we will write L? L has a straight line and a sleeping line. Straight line and sleeping line. L, L, A, L लिख लिया हमने, आगे E, E is the sound of I,
ई इज अ साउंड ऑफ आई. अच्छा, आई और ई की साउंड में क्या डिफरेंस है? ई की साउंड होती है ए और आई की साउंड ना बहुत शार्ट सी आवाज होती है ई, ई शॉर्ट एंड शार्ट ई. ओके, तो ई इज द साउंड ऑफ आई. ई इज द साउंड ऑफ आई. वी विल राइट स्मॉल आई इन सेंटर टू लाइंस. आई हैज अ स्ट्रेट लाइन एंड टेल विद वन डॉट. लो ई प प प इज द साउंड ऑफ पी. प इज द साउंड ऑफ पी. वी विल राइट पी इन लास्ट थ्री लाइन्स. स्मॉल पी हैज अ स्ट्रेट लाइन. अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल पी को भी फर्स्ट थ्री लाइन्स में लिखते हैं और स्मॉल पी को भी वो फर्स्ट थ्री लाइन्स में लिखते हैं. नो, कैपिटल पी फर्स्ट थ्री लाइन्स में आता है, स्मॉल पी लास्ट थ्री लाइन्स में आता है. ओके, तो स्मॉल पी आपने सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है और स्ट्रेट लाइन लगा के हाफ सर्कल. अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि अगर एक होंट होता तो हम कहते हैं लिप, बट यहाँ पे दोनों होंट हैं तो हम कहेंगे इसको लिप्स. लिप, एल आई पी, लिप एक होंट, और अगर दोनों लिप हो तो क्या कहेंगे? लिप्स. एल आई पी के साथ हम एस लगाएंगे. हाफ सर्कल, स्लांटिंग लाइन एंड एन अदर हाफ सर्कल आर द स्पेलिंग्स ऑफ लिप्स. ल ई प स लिप्स. ल ई प स लिप्स. ल ई प स लिप्स. एल आई पी एस लिप्स. एल आई पी एस लिप्स. लिख लिया आप सबने? ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं. व्हाट इज इट? इट इज ए हैंड. इट इज ए हैंड आप सबका हाथ, जिसको हम हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ह ए न ड. ह हैंड. ह ए न ड हैंड. किस तरह हम लिखेंगे? ह फर्स्ट आप गौर कीजिए, साउंड किसकी साउंड है? ह. ह इज द साउंड ऑफ एच. वी विल राइट कैपिटल एच फर्स्ट. कैपिटल एच हैज अ स्ट्रेट लाइन, अनदर स्ट्रेट लाइन एंड इन द सेंटर इट हैज अ स्लीपिंग लाइन. दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एच. ह ए. ए इज द साउंड ऑफ ए. ए हैज अ स्ट्रेट लाइन, टेल एंड अ हाफ सर्कल. एच ए है, है, है. ओके, न. नेक्स्ट साउंड इज न. न इज द साउंड ऑफ न. किसकी साउंड है? एन की. न इज द साउंड ऑफ एन. स्मॉल एन वी विल राइट. स्मॉल एन हैज अ स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड टेल. ह ह ए न ड. ह ए न ड. ड इज द साउंड ऑफ ड. किसकी साउंड है स्टूडेंट्स? आप सबको पता होना चाहिए, ड इज द साउंड ऑफ डी. ड इज द साउंड ऑफ डी. हाउ वी विल राइट स्मॉल डी? स्मॉल डी हैज अ स्ट्रेट लाइन एंड टेल एंड इन सेंटर टू लाइन्स देयर कम्स इट्स हाफ सर्कल लाइक दिस. ह ए न ड हैंड. ह ए न ड हैंड. हैंड यानी कि हमारा हाथ. ओके, लिख लिया सबने? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बॉडी पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट बॉडी पार्ट हमारा है इस पेज पर. ओके, क्या है यहाँ पे? ये बाजू, बाजू बनाई हुई है ना उन्होंने, देखे कितने अच्छे से मसल्स हैं. तो बाजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्म. आ र म. अ र म. आर्म. आर्म. ठीक है. अ. अ इज द साउंड ऑफ ए. अ इज द साउंड ऑफ ए. कैपिटल ए वी विल राइट. लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैपिटल ए में कुछ बहुत से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैपिटल ए कैसे लिखना है, बहुत ध्यान से देखना है. कैपिटल ए हैज अ स्लांटिंग लाइन इन फर्स्ट थ्री लाइन्स एंड अनदर स्लांटिंग लाइन इन फर्स्ट थ्री लाइन्स. ये टू स्लांटिंग लाइन्स बना ली हैं. अच्छा, अब जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि इस लाइन के ऊपर ही वो स्लीपिंग लाइन लगा देते हैं. ए कैपिटल ए की स्लीपिंग लाइन कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं आती, इस लाइन से नीचे आती है. कैपिटल ए आपने ऐसे लिखना है, इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन नहीं लगानी, उससे नीचे स्लीपिंग लाइन लगानी है आपने. इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है. ठीक है. अ र. र. R is the sound of R. We will write small r in center two lines. Small r has a straight line, slanting line and a small straight line. This is our formation of small r.
अ र म म म इज अ साउंड ऑफ एम म इज अ साउंड ऑफ एम हाउ वी विल राइट स्मॉल एम स्मॉल एम हैज अ स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन कर्व स्ट्रेट लाइन स्लांटिंग लाइन कर्व स्ट्रेट लाइन एंड टेल दिस इज आवर फॉर्मेशन ऑफ एम A R M arm. बहुत ही ईजी स्पेलिंग है आर्म के. वैसे तो सारे स्पेलिंग्स ही ईजी हैं, तकरीबन फोर लेटर वर्ड हैं सब और ये एक थ्री लेटर वर्ड है. इसके साथ ही हमारा आज का ये क्लास वर्क कम्प्लीट हो जाता है. आज हमने किए पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम. पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम हमने लिखे हैं और आपने इनको याद भी करना है, इनके स्पेलिंग्स याद करने हैं. कोशिश कीजिए कि आपको इनकी साउंड भी पता हो, क्योंकि बाजू का जब आप लोग स्पेलिंग भूल जाते हैं एग्जाम में तो टीचर आपको साउंड बता के आपकी हेल्प करने की कोशिश करती है कि आप वो क्या लेटर आएगा. टीचर कभी भी आपको लेटर नहीं बताएंगी, वो साउंड के जरिए आपकी हेल्प करेंगी कि अगर आपको याद आ जाए कि किस वर्ड की साउंड है. तो अगर आपको साउंड आती होंगी तो आप अगर मिस्टेक कर भी रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर इधर आना है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. अगर आपको साउंड्स नहीं पता होंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको याद करना वो लेटर. चलिए स्टूडेंट्स, अब नीचे वाला हाफ, सेकंड हाफ आपका होमवर्क है. बहुत अच्छा, ऐसे ही फॉर्मेशन के साथ नीट नीट आपने अपना होमवर्क करना है और इसको नोटबुक पर, रफ नोटबुक पर भी कम से कम 3-4 टाइम्स आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इसके स्पेलिंग भी लिखने आ जाएँ और इसकी फॉर्मेशन भी आ जाए. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.